को यहाँ पे बहुत इंतजार कराया हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लॉग देख रही है, बोर हो रही है यहाँ पे सामने तो बोर। ऐसे ही नहीं फेंक लेना तो इस डंडा पे हर जगह आके जो ना यही चलता है टिकटॉक पर। अरविश तो ना आ ली, अरविश के बाल आ गए, बाल अभी जो है मैंने मम्मा को यहाँ पे बहुत इंतजार कराया हुआ है, बहुत ज्यादा इंतजार करा है, कल तो 2 बजे निकल चलेंगे और यहाँ पे जो है अभी टाइम 3 बजने वाले, 3:30 सॉरी। और बस यार चलते हैं क्योंकि मुझे अपना ब्लॉग एडिट करना था, जो गोलगप्पा चैलेंज मैंने करा है यार उसमें बहुत टाइम लग गया एडिटिंग में, अगर नहीं देखना तो जल्दी जल्दी से जाके वो चैलेंज देखो। और मैंने इस बच्ची को भी बहुत इंतजार करवाया हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी चप्पल वगैरह, मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ था, ये सब मम्मा ने करके दिया है, ये बहुत मसला होता है। आई थिंक ये देखें मम्मा ने गेट भी बंद कर दिया और मेरी चप्पल इधर है, अब मैं मम्मा को बोलूंगी ना मम्मा मुझको गुस्सा करेंगी। मम्मा अच्छा सॉरी, अब ये कमरे में होती है चप्पल यहाँ पे सीढ़ी पे रखी है वरना मेरी बेइज्जती हो जाती है। और अलिया जो है घर पर ही, अलिया मिलते हैं थोड़ी देर बाद, चलो आ जाओ बेटा सोया पे एंड टाइम पे भी देखते हैं क्या कर रही है। ये देखें पानी पी रही है यार, और चार्जर भी कमरे में भूल गई। सोनिया ये देख इनके फैशन, लो लड़की मर जाएंगे। बस चल के अब आप लोगों से वहीं जाके हम मिलते हैं। चलो शुक्र है, अब जाने में भी इतना टाइम लगेगा। A few moments later. और अभी जो है हम यहाँ आ गए थे, अभी नहीं हम काफी टाइम से आए हैं, लेकिन यहाँ पे बातें वगैरह में जो है फिर ब्लॉग बनाने का बंदा भूल ही जाए बिल्कुल ही। सो अब मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ब्लॉग बना दूँ, वरना ऐसा ना हम घर चले जाओ ब्लॉग नहीं रह जाए। और बाकी जो है ये सामिया यहाँ पे आके भी ब्लॉग देख रही है, बोर हो रही है यहाँ पे इधर, सामिया तो बोर हो गई क्योंकि जो सामिया की दोस्त है और रिजा वो गई भी अभी ट्यूशन, और इनको भी अभी घर पे जाके ट्यूशन पढ़ाना है, तो अभी सामिया बोर हो रही है, अगर वो आ गए तो फिर इसकी बोरियत भी दूर हो जाएगी। तो ये नींद आ रही है, हाँ नींद आ रही है, स्कूल से जो आई हो ना इस वजह से नींद आ रही है ना, घर जाके ट्यूशन पढ़ने फिर मदरसे जाने फिर आने फिर दोबारा याद ही करना होगा क्योंकि अभी जाएंगे 7 बजे 5:30 हो जाएंगे, मगरिब हो जाएगी फिर मदरसे। तो बेटा ऐसी लाइफ है, अब चलो अब रात में जल्दी सोना। और यहाँ पे एक मक्खी घूम रही है जो बहुत तंग करी जा रही है। बॉल किस क्या किसी ने देखी नहीं है कभी जिंदगी में, आंटी वेट से वैसे आंटी सही बोला है आपको देख के, आपको देख के आंटी सही बोला है, बच्चे की बॉल आ गई, मैं दे जाओ ऐसे नहीं फेंक लेना तो इस डंडा फूट जाए बच्चों। हमारी सोनिया का हर जगह आके जो ना यही चलता है टिकटॉक, बस हर जगह बस इनका यही चलता है, जैसे इंतकाल होता है तो लेके नहीं जाती। हाँ ये तो शुक्र है, हाँ वरना ना अभी इतनी देर से खामोश बैठी हुई थी, इतनी खामोश बैठी हुई थी बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही थी, और अब यहाँ पे आके जरा टिकटॉक शुरू हो गई है। बस मेरी फिल्मों बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। हाँ मुझे बच्चों पे दुख हो रहा है यार, बेचारे बच्चे बॉल मांग रहे थे लेकिन कजन बोल के गई अभी मत देना, जब मैं आ जाऊँ ना जब देना, दे दूँ बच्चों को बॉल, मुझे क्या पता
दे देनी चाहिए यार, बेचारे बच्चों का गेम रुका हुआ होगा। हाँ खेल तो रहे हैं। हाँ लेकिन वो दो एक्स्ट्रा बॉल्स लेकर आते हैं, उन्हें पता होता है ना हर कोई नहीं देता, गिर जाएगी। नहीं करो। और अभी जो यहाँ पे चल रहा है टी टाइम, यहाँ पे नाश्ता लगा हुआ है सबके लिए। और मम्मा आज मेरी साथ आई है, पहले मैं आई थी स्टे करा तो मैं अकेली थी, मेरे साथ ही पप्पा ने मेरा साथ दिया था। खैर आज तो मम्मा है यहाँ पे, नहीं तो मैंने सलाम कर दिया। ऐसे देख रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। और ये देखिए यहाँ पे ये भी इंजॉय कर रही है। कैसी है स्पेगेटी, मजे की है? वो तो बिजी है बिल्कुल नहीं खाने के बाद, वो किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है यहाँ पे। और क्या है वैसे टी टाइम में? दही बड़े और खट्टे आलू है, स्पेगेटी है, और ये पप्पा ने बनाए छोले। यस, और रिजा भी यहाँ पे बैठी हुई है। हाय रिजा, आज इतनी खामोश क्यों? वैसे तो बहुत बोलनी थी जब। अच्छा जब भी खामोश हो। चलो खैर अब जल्दी जल्दी से हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं, क्योंकि फिर सब ठंडा हो जाएगा, फिर बाद मुझे गालियाँ पड़ेंगी यहाँ पे। अरविश तो ना आली, अरविश के बाल आ गए, बाल पीछे कर लो बाल। ओए चलो मुँह साफ करो, मुँह साफ करो, टिशू से करो बेटा। अच्छा हाथी हाथी से करो। चलो फेस साफ करो अपना जल्दी से। ओहो A few moments later. अभी जो हम घर आ गए थे और घर आए में भी हमें टाइम हो गया, और बाकी हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करा वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। हम ऐसे ही रोज यार घर में बोर हो जाते थे, तो इसलिए आज मम्मा ने कहा कि चलो पप्पा के घर ही चलते हैं, वैसे भी बोर ही हो रहे थे, मैंने कहा चले चलते हैं, अच्छी बात है। तो हम वहाँ गए, बहुत मज़ा भी आया, बहुत इंजॉय भी करा हम लोगों ने। लेकिन ब्लॉग आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं बना सकी, क्योंकि यार वहाँ पे जाते हैं फिर अपना इंजॉय करने में लग जाते ना, तो कभी कभी ऐसा होता है मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ ब्लॉग बनाना, क्योंकि मुझे याद आता है मुझे ब्लॉग भी बनाना है, तो फिर मैं ब्लॉग बनाती हूँ। लेकिन बाकी हमने इंजॉय बहुत करा, मज़ा बहुत आया। अब हम घर आ गए थे और बस थक गए हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे यार, आज जल्दी भी उठ गए थे ना, नींद बहुत आ रही है, तो मैंने कहा जल्दी से अपना ब्लॉग एडिट मतलब बना के उसके बाद फिर मैं, मुझे तो अब सोना है। और बाकी अभी मैं आई हूँ, इनको ट्यूशन भी पढ़ाना था क्योंकि इनके पेपर होने वाले हैं, तो वो भी ज़रूरी है साथ में इन्हें पढ़ाना, पेपर होने वाले हैं, इन्होंने एक अलग मेरी ज़िंदगी हिसाब की भी है। फीस देते हो? इतनी सारी फीस देते महीने की, मुझे 10,000 रुपये देते ये लोग ला के। हाँ मुझे बताएं, मैं बताऊँ फीस का चक्कर क्या है। फीस का चक्कर ये है कि टीचर को घर में रखा हुआ है, खाना पीना कपड़े सब देते हैं हम, सोना और बोलिए के ना क्या देते हैं, ये ले आपके खाने, बाबा लाए मेरे लिए बकर खाने। ओके थैंक यू बाबा मम्मा की तरफ से। जी माय गॉड। अच्छा वैसे मम्मा ये दूध नहीं आया अभी, वैसे चाय के बगैर क्या है इसका मजा ऐसे? इसका पापा मुझे खाई थी वो लाना है। क्यों? मुझे लेना मुझे लगा पता नहीं क्या बोलेगी। आपने देखा कितना उससे बोला बाबा मुझे फाइव से बना, क्या ले रहा है मोजे ले ले, क्योंकि मोजे हम उठा नहीं सकते। बहुत स्पेशल काम होते हैं ये बोलिए बाबा चीज दिलाते हैं, ये बोलिए बाबा सॉक्स दिलाते हैं। इनकी तो वैसे किससे बातें चल रही है, कॉलेज जाना है सुबह, तो हम पहचान कर रही। वैसे आप लोग एक बात बताओ, कॉलेज ने आज भी जाना था, लेकिन मम्मा आज आप बताया जिसने क्या करा है आपके साथ, आपको धोखा दिया है ना वैसे, आपको रात में बोला कि मुझे जाना है और आप पूरी रात इसकी वजह से सो ही नहीं। हाँ हाँ बोला था मम्मा मैं आपको सुबह बताऊंगी, अभी थोड़ा दोस्तों का वो हो रहा है। अब देखिए आपकी नींद खराब हुई ना इसकी वजह, आप बार बार उठ रही है ना, तो इसको ये नहीं करना चाहिए था, मना कर देती, मुझे तो पता था आप नहीं जाएंगी। यार मम्मा को वैसे भी उठना था, उसको जाना था, लेकिन आपकी वजह से वो ज्यादा टेंशन में थी। कोई नहीं मम्मा, है ना ठीक ना, है ना ड्रिप ला के मेरे पास। लेकिन ये है हां कल इंशाल्लाह जाएंगे ये लोग। हां बेचारे का कल कॉलेज का फर्स्ट डे ना सुनिए, जिंदगी में पहली दफा जाओगी ना तुम कॉलेज। और अभी यहाँ पे जो है मेरी सबसे प्यारी बहन मतलब सोनिया, आज देखें कितनी अच्छी लग रही है ना, छुट्टियाँ बांध के बहुत इंसान लग रही है। वैसे वो लेकर आई यहाँ पे नूडल्स बना के, और अभी जो है हमें रात में जो है नूडल्स की क्रेविंग हो रही थी, क्रेविंग ही मतलब नूडल्स आ जाती ना हमारे घर में तो वो बचती थी, तो आज बाबा नूडल्स ले आए थे ना तो आज ही ख़त्म होनी थी, तो अभी वही बनाइए। और बस यार अब यही सब कुछ खाएंगे और बाद हम करने वाले आराम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ इसी के साथ। सो बस आप लोग ने एक काम करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बस इतना सा काम है जल्दी जल्दी से जाके कर दो, और बस फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।